विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर सुनियोजित साजिश के तहत 2016 में हुए झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की है। पत्र के साथ उन्होंने रांची के उपायुक्त का आदेश भी संलग्न किया है। उनका दावा है कि समारोह की आड़ में गायिका सुनिधि चौहान के जमशेदपुर में हुए एक गैर सरकारी कार्यक्रम के व्यय का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया है। पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि 6 नवंबर 2016 को जमशेदपुर की सूर्य मंदिर समिति ने छठ पर्व की संध्या में फिल्मी गीत गाने वाली पार्श्व गायिका को बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक और सर्वे सर्वा थे। कार्यक्रम के 3 दिन बाद उनके निर्देश पर रांची में एक बैठक बुलाई गई। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक झारखंड स्थापना समारोह की तैयारी की समीक्षा के बहाने बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर की रात जमशेदपुर का प्रोग्राम करके सुनिधि चौहान 7 नवंबर को भले ही चली गई हो और फिर 15 नवंबर को आ गई हो, परंतु उनके संगी 15 नवंबर के स्थापना दिवस प्रोग्राम तक के लिए रांची और जमशेदपुर में ही रह गए और सरकारी खर्चे पर चकल्लस करते रहे। सरकार द्वारा 4 ट्रेवल एजेंसियों को किया गया 58,525 रुपये का भुगतान इसकी ओर इशारा करता है और होटल को किया गया भारी भुगतान भी इस संभावना की ओर इशारा करता है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच आखिर कब शुरू होती है।